भाई भाई इन्होंने परेशान करे, उन्होंने मोटरसाइकिल की चाबी गिर गई जी, जिस साहब ने मिली हुई उन्होंने पहुँचा दे, बड़े परेशान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। अल्लाहु हाफिज़ी मुहम्मद व मामी व अली व खल्फी वल फातिमत वलसन यमीनी वल हुसैन यसारी हाउलाओ वहसारी सारवली वमाली वजरानी वजदारी वबिरहमति कयार हमर राहिमीन रब सल्याला मुहम्मद वाल मुहम्मद। इलाही इबादत कबूल फरमा। कोशिश करो वे कसारे आमीन आखो। मेरे अल्लाह जितने भी हुसैन बादशाह दे अजादार जितने कदम चल के मालिक अल्लाह कदम कदम ते अजरे अजीम अता फरमा। जिन मोमिनीन मेरे जिम्मे दुआई लाई हैं मेरे अल्लाह अगर नेक हैं इस पाक जिक्र दा सदका मुस्तजाब फरमा। बिलखसूस जो मोमिनीन बे औलाद हैं सैन रुकैया दे छे पुत्रां दा सदका मालिक औलाद नरीना ता फरमा। मेरे अल्लाह जिन्हां पुत्र दिते नहीं हुसैन बादशाह दे यूसुफ दा सदका उन्हां दी जिंदगी अंदर आ फरमा। मालिक अल्लाह बानिया ने मजलिस दे रिज़्क च इजाफा फरमा। हरामन अली दुख तकलीफ मुसीबत तो महफूज फरमा। दुआ है इस नाजिक दौर च माँ हुसैन दी तुन कें कमीने द मोहताज न करे और दुआ मंगो मोले से असबाब पे दकरे अस तमाम शिया हिक जैन हो के एक प्लेटफार्म ते जमा हो गया। मालिक अल्लाह सानू इतफाक व इतहाद नसीब फरमा। मजमा काफ़ी है आमीन थोड़े बंदे आखी कोशिश करना आखिरी दुआ है सारे आमीन आखना। मेरे अल्लाह इस नाजिक दौर दे विच जिक्र दे वारिस दा ज़हूर जल फरमा। माशाल्लाह कोशिश करो ऐसी खलूस अली सलवात होवे जो दुआ कबूल हो जाए। मजलिस आजादी कबूलियत वास्ते भी बावाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अपने अपने मरहूमीन दे दर्जात दी बुलंदी दी खातर भी बावाज़े बुलंद सलवात। कोशिश करो एक सलवात उन्ना लावारिस मोमिनीन मोमिनात दे इसाले सवाब वास्ते मिल्लत तशय्युद जितने भी उलमा व दाखरीन इस दुनिया से टुट गए और बिलखसूस उन्ना मरहूमीन वास्ते एक सलवात पढ़ो जिन्हां दे इस दुनिया च फातिहा पढ़न लग कोई नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आबाद व सलामत रहो। तुहाडी ज़ियारत नसीब हो गई बानियान दे नाल वादा वफाई हो गई। कोशिश है आले मुहम्मद दी बारगाह दे विच असा सारे मिल के ऐसी इश्क दी नमाज अदा करिए जो साढ़े ते 14 मासूमीन राजी हो जाए। जिक्र अजीम है कोई बोले तां भी इबादत है कोई ना बोले तुहाडा चुप करके बह जाना अजीम इबादत है। मैं कदी नहीं आख्या जो तू इत्थे बोल ते तैं कबर च ही बोलने ए जाकरी जुमला इत्थे बोल ना बोल कबर ही तैं नखड़ा पौसी हक दा इमाम अली है। जिहड़े आदार मेरे सामने बैठे हो तुस अलीन मन्या सोचा नहीं इत्थे आंदा ही मन्नण वाला सोचण वाला आंदा ही नहीं और अलीन सोचिया कह है जै सारी जिंदगी तू नजस तंज गुजारी भाई नदीम अब्बास जमे तान जस मर गए तान जस यानी जे सारी जिंदगी तू नजस तंज गुजारी है सोचता उसनू भी है जिहड़ा आया काबे चे या मस्जिद च वे। क्या बात है भाई बिस्मिल्लाह करा जरा हाथ बुलंद हो गया इंशाल्लाह कह कमीने दा बोल रहा है चार सत्रह पाक मखदूमे आलमीन दी अजमत दिया फिर क्योंकि टाइम दी पाबंदी नहीं है लेकिन वक्त दी मुनासबत नू देख के पढ़सा तुहाडे मिजाज नू देख के पढ़सा जितना तुहाडा मिजाज सुनन ते मैं उतनी मजलिस पढ़सा। चार सत्रह मखदूमे आलमीन दी अजमत दिया
जैन मिजाज मेरे आले पास मिलाओ तो मैं 4-17 हदिया कर जावा। मखलूक के सुल्तान की तस्कीन है लहरा, तवज्जो भाई, मखलूक के सुल्तान की तस्कीन है जारा। अगली 70 तो मैं देखना है कौन किस मयार ते सुनता बैठे। मखलूक के सुल्तान की तस्कीन है जहरा, कुरान मोहम्मद है तो यासीन है जहरा। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, थोड़े हत्थां दी खैर बस भी लग रहा जी, थोड़ी नसलों की खैर हो। तो जो है भाई, मखलूक के सुल्तान की तस्कीन है जहरा, कुरान मोहम्मद है तो यासीन है जहरा। इस्लाम ने जहरा की फजीलत में ये कहा है, केड़ी गल, मैं दीन मोहम्मद हूँ, मेरा दीन है जहरा। क्या बात है, क्या बात है भाई, थोड़ी जिंदगी हो। कुरान मुस्तफा की हकीकत है फातिमा, तवज्जो भाई, कुरान मुस्तफा की क्या है, मखदूम आलमीन दी अज़मत, कुरान मुस्तफा की हकीकत है फातिमा, मेराज पे जो उतरी वो आयत है फातिमा। कुरान मुस्तफा की हकीकत है फातिमा, मेराज पे जो उतरी वो आयत है फातिमा, है आलमीन के लिए रहमत रसूल पाक और खुद रसूल के लिए रहमत है फातिमा। वाडिया दिन ये होवे इमाम हुसैन बादशाह तो सलामत रखे। थोड़ा मैं फिर भी दरूद वाले मोहम्मद दीदा आऊज बिल्ला इब्न शैतान والرسول المصدق والمصطفى الامجد والمحمود الهما وسيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد الله الدين عبادت بمصلي हुसैन बादशाह तो सलामत रखे। अर्ज़ा है की इबादत भी मुसल्ले पर हो और वलियों की रियाजत भी मुसल्ले पर हो और वलियों की रियाजत भी मुसल्ले पर हो। हम उसे कहते हैं के बेटों की विलादत भी मुसल्ले
याद रखे जी। तो सजीओ तुहाडियां जिंदगियां दराज होवे। कसीदा कसीदा पाक मखदूमे आलमीन दी अजमत दा किसे खाकी बंदे दे इतना ज़र्फ नहीं, उदी इतनी सोच नहीं जिस बीबी दी अजमत कोई बयान करे। इस बीबी दी अजमत या खुद मुस्तफा बयान करे या फिर अल्लाह बयान कर सकदे। किसे खाकी बंदे दा इतना ज़र्फ भी नहीं, इतनी सोच भी नहीं। मयादा जैंदे इस्तकबाल वास्ते सारे नबी खड़े हो जावें उस हस्ती नूं मुहम्मद मुस्तफा दे। जैंदे इस्तकबाल वास्ते खुद मुहम्मद मुस्तफा खड़े हो जावें उस नूं बदूल दे। क्योंकि साडी इतनी सोच नहीं, साडे इतना ज़र्फ नहीं, लेकिन जितना खालिक ने सानूं सोच ज़र्फ अता कीता है अपनी सोच मुताबिक अपने ज़र्फ मुताबिक। मैं इस बीबी की अजमत कसीदा पढ़न लगा और बिल्कुल नवा जिहा ते बड़ा प्यारा जिहा कसीदा, पंजाबी जुबान का कसीदा। और अगर तुसा सही खुश हो के जिवें कसीदा सुनन दा हक है, तुसा हक अदा कर दिता, फिर दूसरा कसीदा ही पढ़ सूचा। फिर दे बाद एक जुमला मैं साहिब दा उस बंदे ते राजी जाते खुदा कोई नहीं। उस बंदे ते राजी जाते खुदा कोई नहीं। उस बंदे ते राजी जाते खुदा कोई नहीं। उस बंदे ते राजी जात खुदा कोई नहीं। जिस ते राजी हसन हुसैन दिमाग कोई नहीं। शाबाश शाबाश जरा हाथ उठता पे कह कमीने का मोहताज रहे हाथ उचे हाय गरी। आबाद सलामत रहो। तो सजीओ तुरी दराज होवेन। आओ इस बीबी की अजमत नहीं लेकिन इस बीबी की चादर की अजमत डसावा, जेड़ी इस बीबी के सर ते चादर रही है। आओ डसावा ये चादर कितों आई, इस चादर की फजीलत क्या है, अजमत क्या है। लो सर चो मैं शेर पढ़ लगा। देवे खुद क्या बात है भाई, कुछ भी लग रहा बड़ी होनी है दराज होवे। इस चादर की अजमत क्या है, देवे खुद कुरान गवाहे। चादर अर्श दुआई साए विच पज तो सजीओ तुहाडी जिंदगी दराज होवे। कसीदा मैं गदीर दा जनाब नूं सुनवावां क्योंकि गदीर ऐसा मौजू है, गदीर समझ चावे तो करबला समझ जाती है। अगर गदीर ही समझ च ना होवे फिर करबला समझ च नहीं आ सकती। गदीर दे मकाम ते पाक सरवर कायनात ने पलाणा दा मिंबर बनवाया। मिंबर बनवा के पाक सरवर कायनात ने 3.5 घंटे दा खुतबा इरशाद फरमाया।
और साढ़े तीन घंटे के खुतबे फजायल पढ़े ने अपने भिरा अली दे पलहाना दे मिंबर बना के पाक सरवर कैनात ने जरा ऐलान फरमाए। खाले के कैनात ने फरमाया कि मेरा महबूब तू परेशान न होवे, जड़ा मेराज अली राती में तेरे जिम्मे कम लाया ही वह पूरा कर दे, अगर तय न किया फिर पूरी जिंदगी न तय मेरी कोई रिसालत का कम किया है, न कोई मेरी कोई नबूवत का कम किया है। तवज्जो है मेरे आले पासे, मोमिन की ज़ियारत ही सवाब है, लेकिन जो मैं पढ़ता खलोता मेरे आले पासे तवज्जो फरमाओ। भाई मैं बाणे तो पिछले जाकिर पढ़ने हैं ना, अजे तो किबला साहब भी बैठे हुए ने, दो बंदे तो मौजूद हैं अजे ऑलरेडी, तो असल जमाना इतना फास्ट हो गया ना, चन चढ़ पवे ना अजे तो इदा हत नहीं वेंदा बंदे आदे ने लह पव्या तो नवा चढ़ पव्या, ठीक है ना जी। साढ़े जहन इतने तेज़ हो गए जो मैं पढ़ता खलोता, पाक सरवर कैनात नू खाले के कैनात ने फरमाया कि मेरा महबूब पलहाना दा मिंबर बना के ऐलान कर दे। मालिक ऐलान केड़ा करा जड़ा खाले के कैनात ने इरशाद फरमाया है, ज्यादा बड़ा कसीदा, सब दसरदार अली है, 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 खाले के कैनात ने फरमाया मेरा महबूब इधर ऐलान कर दे जो सब दा सरदार अली है, सब दा सरदार अली सर जावना, सब दा सरदार अली हादिया नूर कवाचा पाक मिंबर बनवाचा, क्या बात है भाई, तो दसना की खैर हो, मालिक थोड़ी जिंदगी दराज फरमावे जी। आप आदो सलामत रहो, पाक सरवर कायनात ने जेड़ा ऐलान फरमाया है, जदों आके ना मन कुन तो मौला हो फहाजा अली अन मौला, जिस जिस द मैं मौला मेरे बाद उसदा अली मौला, लोग हिक बैद अच्छे ना वेखन लग पे, अखी अखी ना लोग इशारे करन लग गए। पाक सरवर कायनात फरमाते हैं अल्लाह ने मैनू कायनात दा वड्डा हकीम बना के भेजे, जो तुहाडे दिलें दे अंदर चल रहे मैं मुहम्मद मुस्तफा बेहतर जानना, बेशक जो कुछ सोच रहे हो सोचते रहना, लेकिन एक गल मैं मुहम्मद मुस्तफा दी भी याद रखना, मैं हां सदी के क्या बात है, क्या बात है भाई, बिस्मिल्लाह करा जी, गाड़ियां नस्लों की खैर होवे जी, बिस्मिल्लाह करा या अली अलैहि सलाम, पाक सरवर कायनात या अली या अली, पाक सरवर कायनात सवाल खा जी नमाज दे पास देख के फरमाया, गौर दे नाल सुन लो, मैं हां सदीक बचदी, जिस जिस दा मैं हां मौला हुंदा अली है मौला, जिस जिस दा मैं हां मौला, क्या बात है गड़ी दी दराज फरमावे जी, थोड़ी जिंदगी में क्योंकि दिन रात दे सफर, फिर आवाज़ ते भी असर है लेकिन नीयत ते असर नहीं है,
नीयत मेरी ठीक है, जितना मैं पढ़ सकता, जितने मेरी ताकत है, जरूरत है, मैं पढ़ रहा। कोई कंजूसी नाल सुने उसके दिल की बात है। मैं अपने इश्क की नमाज अदा करके जा रहा। जरा भाई नदीम आबाद जरा शेर पढ़न लगा, बड़े सादे जे लफ्ज़ हैं तो बड़े प्यारे जे लफ्ज़ हैं, तो जरा शेर मैं पढ़न लगा ये उत्ते अल्लाह दी कदम बोल पई हैं। तुहाडे दिल लई तली वसद, दिल चली वसद होवे फिर जुबान दे उत्ते किवें ना आवे, हो ही नहीं सकता। पाक सरवरे कायनात ने जदों ऐलान किया, पहले दो गर्मियां मौजूद हैं, आसमान भी गर्म आई, जमीन भी गर्म आई। जो ऐलान ने विलाया तो या फिर अंदर वाली गर्मी बढ़ गई, अंदर वाली गर्मी बढ़ी तो लोग सज्जे खब्बे वेखन लग पे। जिवें गर्मी बढ़े तो बंदे नहीं घबरी जाते ने, कोई सज्जे वेदे कोई खब्बे कोई पिछे। पाक सरवर कायनात ने फरमाया पिछे ना देखो मेरे वाले वेसको, जो मैं आख्या मनी खलियो। बखन बखन की सदा हर पास बुलंद हुई, आओ डसावा जुबान दे उत्ते बखन बखन की सदा आई, जड़ी रहती अंदर वाली कैफियत आई, वह कैफियत मैं शेर दरा कि डस रचाना। आवाज दे सलाम तू सजीओ तुहाडी जिंदगी होवन। एक शेर मैं होर पढ़ के ये बाद एक जुमला मसाहब दा मेरे हिस्से की हाजरी। तमाम कूफे दा मिंबर, मिंबर ते वारे से मिंबर सरकार अली अलैहि सलातो सलाम को किसी बंदे पूछे सरकार एडा दसाओ तुस किस वक्त आवे, सरकार ने फरमाया वक्त नहीं मैं अली हम। सरकार ने फरमाया वक्त नहीं मैं अली हम। डे कहते मौला जमीन आसमान, सरकार ने फरमाया बाद च बने पहले मैं अली हम। मौला चंद सूरज सितारे, सरकार ने फरमाया बाद च बने पहले मैं अली हम। ये सवाल करता रहे, सरकार जवाब देंदे रहे, आखिर ते हैरान हो कहते फिर सरकार ये दसो तुस हाए कितने, सरकार ने फरमाया जिथे वो हाई उथे मैं अली हम। सरकार फरमा देना कूफिया लो मैं डसा, अल्लाह ने मैं अली कैसे इख्तियारा तता किते। कूफा दे मिंबर ते बैठ के जरा सरकार ने खुतबे इरशाद फरमाया है, इजाजत मैं जनाब नु कसीदा सुनावा। मेरा नाम ही अली है, 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 मेरा नाम ही सरकार फरमा दे तुम फानी हो मैं बका हूं। जेड़े जमीन मल्ली बैठे हो खुदा दा वास्ते दे बोलना सवाब है। सरकार फरमा दे तुम फानी हो मैं बका हूं, मैं तौहीद की रिजा हूं, तुम फानी हो मैं बका हूं। चलो सारे एक बारी वेख लो तो फिर मैं पढ़ देना। किबला तशरीफ ले आया और बिस्मिल्लाह जी तुम्हारी ज़ियारत वास्ते सारे आबाद सलामत रहो। उन पढ़ना नहीं हो सुन आए ने। तुम फानी हो मैं बका हूं, मैं तौहीद की रिजा हूं, अजमत का मयार मैं हूं, सरवर का वकार मैं हूं, जो दारन का वली है, मेरा नाम ही अली है, मेरा नाम ही अली है। हाथ उठाओ है
शेर में कोई पढ़ना है सरकार अली अलैहिस्सलाम के पास शाम जो खत आया शाम वाले बंदे सरकार को खत लिखिया जो मैं इतने मुल्क का हाकिम हाँ तो समय हाकिम तस्लीम करो सरकार खत बैठे पढ़ते हैं नाल जनाबे मालिक इधर बैठे डे कहते मौला शाम वाले बंदे का खत बड़े गौर नाल पढ़ रहे हो सरकार फरमाते हैं मालिक इधर तू भी पढ़ ले जो जनाबे मालिक इधर की तहरीर तदीद भाई तेवर बदल गए हलाली नौकर होंदा ही हुए जरा सरदारा नाल कोई थोड़ी जी गल करे तो बर्दाश्त न कर सके देख क्या दे मौला तुस कायनात दे बादशाह ते उस दी ए जुरज उस तुहानू ये गल्लां लिखियां सरकार फरमाते ने परेशान ना हो सानू खत लिखिया है असां नू खत दा जवाब लिख दिया है दुख लगेगा उस बंदे उत्ते जिहड़ा बंदा सदर समझ के ने बोलिया सरकार फरमाते ने कागज कलम दवा चा जनाबे मालिक खेतर ने कागज कलम दवा चा है इस इंतजार च जो मौला जवाब लिखवा मिल ते मैं लिखा सरकार फरमाते ने मालिक खेतर मेरी तरफ पूछा मारे बंदे नू खत दे जवाब च इहो कुछ लिख जा सरकार जवाब लिखवा रहे सरकार फरमाते हैं मेरी तरफ उन्होंने खाते जवाब जो कुछ लिख जा तुझको हिंदा सीमा मिली है मैं बोलूं ये बात क्या मेरा चेहरा ही रब का चेहरा है तेरी औकात क्या मेरे दर पे है खुदाई मुझको झुक रहा है काबा मेरे दर पे है खुदाई नहीं पिछले नहीं जाके पिछले जाके सर जग तेरा है जदीद बेदान मैं हसनैन का हूं बाबा सलामत रखे पाक सैयदा तो टुराए कबूल फरमावे हुसैन बादशाह दे दुखां दा सदका शाला दुनिया दे कै गम च न रोवो मेरे ते क्योंकि हसन भाई ने हुक्म कीता है जो हुसैन दे दुख पड़ने जिस दी उम्र थोड़ी आई ते दुख ढेर रहे बिस्मिल्लाह करा जिन्हों प्यो दे सीने दे बगैर निंदर लाई आती अल्लाह जाने करबला तू लेके शाम तक के मासूमा मिट्टी ते कि मेरे लग गई आले मोहम्मद दे वेड़े दे विच भाई नदीम अब्बास दो बीबियां ऐसियां दुनिया ते आईयां जिन्हां दी आमद ते मां ही रुन्नी है प्यो ही रुन्ना है जदा आलिमा गैरे मुलमा दुनिया ते आए ना मां रेशमी धागे दियां डोरियां आलिया दे हत्थां नाल बदियां अमीरे कायनात दी जदों निगाह पई फरमाया ज़हरा ये क्यों बदियां नहीं बीबी आदि इस वास्ते बदियन हो सकता है कल आवन वाले वक्त जिन हथ कोई बदनी शह जानी सदके सदके बलो जिन्हें हाय निकली है फरमाया सैयद अल हा चा मैन कोई आने वाला वेला प्यो रोवेंदे बस जो 57 हिजरी हुसैन बादशाह दे सीने दा तावीज सकीना दुनिया ते आया ना ते मेरी शहर रुबाब रेशमी धागे दियाँ डोरियाँ सकीना दे हथ नाल बदियाँ इमाम हुसैन बादशाह दी निगाह पई फरमाया रुबाब ए तैं बदियन जी मौला मैं बदियन फरमाया क्यों बदियन नहीं बीबी डे क्या दिए इस वास्ते बदियन मैं सुनया जिदा तुहाडी भैन आलिया दुनिया ते आई आई ना तुहाडी मां ज़हरा ने उहदे हत्थां नाल रेशमी धागे दियां डोरियां बदियां नहीं ओ सवाल तुहाडे बाबे अली कीता है ते उन्हें फरमाया हो सकदा है इन्हां हत्थां दे विच गल कई वधनी शै ना चावणी च पै जावे ते मैं भी इस वास्ते बदियन हो सकदा है कल आउण वाले वक्त च इन्हां हत्थां च कोई शै वधनी चावणी पै जावे इमाम रोंदे रोंदे मिट्टी ते बह गया फरमाया रुबाब तकाबल न कीता कर ज़ैनब अमीर प्यो दी धी है ए गरीब प्यो दी धी है जदा ज़ैनब पावणे न उदे लह वणे जदा इस पावणे न कहे लहण देवणे सदके 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 भलो वे हाय करण वाले शाला दुनिया दे कै गम च हाय न करे बिस्मिल्लाह करा इस मासूमा दे दो वेण पड़दा ताकि हर अख दी इबादत हो जावे तेरा मेरा जरिया निजात बन जावे झोली फैला क्योंकि मसाइब खैरात है मैं कदी नहीं आखे जजादार दी अखदा मैं जामिना नहीं कोई जाकिर जामिन नहीं जामिन वो भैन है
ਜਿਹਨੂੰ ਨੌ ਸੁੱਕੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹਿੱਕ ਵੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਹਾਏ ਵੀ ਕਰੇ ਸੀ ਨਾ ਦੀ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਜੜੀ ਸਕੀਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਉਜੜੀ ਸਕੀਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਉਜੜੀ ਸਕੀਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਉਜੜੀ ਸਕੀਨਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਏ। ਰੱਬ ਚਾਲਤੇ ਦੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ। ਉਜੜੀ ਸਕੀਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਏ ਰੋਣ ਬੈਠਿਆ ਸਰ ਚਾ ਮੈਂ ਨਸਾਵਾਂ ਕਰ ਬਲਾਦ ਮੈਦਾਨ ਚ ਸਾਸੂਮਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਡਿੱਠੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਰ ਚਾ ਤੇ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਏਡੇ ਧੀ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਦਾ ਤੀਰਾ ਹੱਥ ਲਾਹਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ। ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਸਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਆਈ, ਦੁੱਖ ਢੇਰ ਹੈ ਜਨ ਪਿਓ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਰਬਲਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਾਸੂਮਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰੁੜ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਛੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਹਿਣ ਪੜ ਜਾਵਾਂ। ਨਾ ਸਰਦੀ ਤੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਤੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੁਬਹ ਪੱਖੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਵੰਜਣਾ। ਬਿਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਦੀ ਆਈ ਹੈ ਸਜਾ ਦੇ ਪੱਖੀ ਕਿਨ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਰੋਣ ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਹਾਇਤ ਤੇਰੇ ਵਾਸੇ 'ਚ ਯਾਰ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਵੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਦੀਗਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪੱਖੀ ਵੱਲੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਿਰਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆਈ ਸਜਾ ਦੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਵੇ ਨਾ ਵਤਨਾ ਲੈਣ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਰਾ ਦੀ ਦਾੜੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸਜਾਦ ਕਦੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆਸੀ ਜਦਾ ਅਸੀਂ ਵਤਨ ਦੇ ਵੈਸੂ। ਇਮਾਮ ਭੈਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਵੇ ਆ ਸਕੀਨਾ ਹਰ ਕੈ ਵੱਲ ਵੰਜਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵਤਨ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਬਿਰਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬੇ ਸਜਾਦ ਦੀ ਦਾੜੀ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਸਜਾਦ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਾ ਪਿਆਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਔਲਾਦ ਰੱਖਦੇ ਉਹਦੀ ਯਕੀਨਨ ਹਾਏ ਨਿਕਲ ਵੈਸੀ। ਸਜਾਦ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਪਿਆਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਕੀਨਾ ਤੈਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਆਦੀਏ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਾ ਪਿਆਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਡੇਕ ਕਿਆ ਦੀਏ ਸਜਾਦ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਜੂਦ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਜੂਦ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੰਧਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਰਾ ਦੀ ਦਾੜੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਦੀ ਆ ਸਜਾਦ ਕਰ ਬਲਾ ਮੇਰੇ ਕਾਸਿਮ ਬਿਰਾ ਦੀ ਸਦਕੇ 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 ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤੇਰਾ ਪੁਰਸ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਸਜਾਦ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੱਸਾ। ਇਮਾਮ ਡੇਕ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਜੂਦ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁੱਕਦੇ, ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਰਾ ਦੀ ਰੱਤ ਬੜੀ ਦਾੜੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਦੀ ਆਈ ਸਜਾਦ ਕਰ ਬਲਾ ਮੇਰੇ ਅਕਬਰ ਬਿਰਾ ਦੀ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਸਜਾਦ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੱਸਾ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ
ਜਦੋਂ ਵਜੂਦ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁੱਕਦਾ, ਇਮਾਮ ਡੇਗ ਕੇ ਫਰਮੈਦਿਨ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸੱਜੇ ਤੜਪਦੇ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਖੱਬੇ ਤੜਪਦੇ। ਮੇਰਾ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਮਾਈ ਪਾ ਕੇ ਆਦੀ ਆਈ, ਸਜਾਦ ਕਰ ਬਲਾ ਮੇਰੇ ਅਸਗਰ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਆਈ, ਪਿਆਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸੱਜੇ ਕਰਵੜ। ਐ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਸਾਹਿਬ ਪੜਦਾ ਖੜੋਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਸਜਾਦ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੱਸਾ, ਇਮਾਮ ਡੇਗ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਸਕੀਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਜੂਦ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਪੈਂਦੇ, ਇਮਾਮ ਡੇਗ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਤ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬਿਰਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਆਦੀ ਆਈ, ਸਜਾਦ ਹੱਥ ਲਾ ਮੇਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਗਾਦੀ ਲੱਥਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀ ਆਈ, ਬਾਬਾ ਨਾ ਤੂੰ ਲੱਭਦੇ, ਨਾ ਅਕਬਰ ਵੀਰ ਦਿਸਦੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਧੀ ਰੁੱਲ ਗਈ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ 'ਚ ਭਾਰੇਦਾਰ ਭਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਡੇਕਿਆ ਦਿਨ ਯਾਰ, ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੇ ਤਾਈਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਸਹਿ ਸਮਾਸੂਮਤ ਦੇ ਵੇਣ। ਆਓ ਅੱਜ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਜ ਕਬੀਨੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਏ, ਉਹ ਕਮੀਨਾ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸਾਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ। ਡੇਕਿਆ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦੱਸਾਓ ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਰੇਂਦੇ ਨੌਕਰੀ। ਡੇਕਿਆ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਸੂਮਤ ਜ਼ਿੰਦਾਨ 'ਚ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਡੇ ਡੁੱਖੇ ਵਹਿਣ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਮੀਨਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੂਨੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਰੀਖ ਹਾਲੇ ਹਾਰਿਸ ਬਿਨ ਵਕੀਲ ਲਿਖੀਏ, ਐਡੇ ਕਿਹਾ ਦਿਓ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਓ ਜਿਲ੍ਹੇ ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਏ, ਕਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਏ। ਡੇ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀ ਏ, ਅਗਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮਿਲ ਪਵੇ। ਇਹ ਮਾਸੂਮਾ ਚੁੱਪ ਕਰਵੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਜ਼ੀਦ ਕਮੀਨੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹਾਰਿਸ ਬਿਨ ਵਕੀਲ ਦਾ ਡੇ ਕਿਹਾ ਦੇ, ਜਲਦੀ ਕਰ, ਜਿਤਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ 'ਚ ਭੇਜ। ਆਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਉਸੀ ਡੇ ਕਿਹਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਦਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਪਹਿਲੇ ਵਹਿਣ 'ਤੇ ਨਮੋਈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਵੈਂਦੀ। ਡੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ, ਹੁਸੈਨ ਖੇਮੇ ਵੰਜਿਆ ਬੱਚੀ ਖੇਮੇ ਵਹਿੰਦੀ ਆਈ, ਹੁਸੈਨ ਬਹਿਰਾ ਵਿਨਾ ਬੱਚੀ ਬਹਿਰਾਂਦੀ ਆਈ। ਆਦੇ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਜਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਔਖੀ ਚਾਹੀਏ ਨਾ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਚਵਾਈਏ। ਹੁਸੈਨ ਕਰਬਲਾ ਕਾਸਿਮ ਗੋਲਿਆ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਚਵਾਇਆ। ਆਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਦਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਆਦੇ ਮੈਂ ਡੇਦਰੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੀ ਲਾਸ਼ ਚਵੈਂਦੀ ਆਈ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਗਰੀਬ ਪਿਸ ਡੈਂਦੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਿਨ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਆਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੂਸਰੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਹਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੇਮੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਡਿੱਠਾ, ਇਹੋ ਸਾਢੇ ਤਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮਾ ਖੇਮੇ 'ਚੋਂ ਭਜਦੀ ਹੋਈ ਬਹਿਰ ਆਈਏ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਆਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆਈ, ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਨਾ ਸਡਾਵੇ ਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਭਲੋ ਵੇ ਹਾਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਬੈਣ ਕਰੇ ਸਾਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀ ਬਸ ਪੋਸੇ। ਆਦੇ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਸੂਮਾ ਮਰ ਜਾ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਨਾਬੇ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਜਾਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾਨ 'ਚ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਸਜਾਦ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੇ ਸਜਾਦ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਮਾਮ ਡੇਗ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰ ਮਹਿੰਦੇ। ਦੇਖ ਕੇ ਸਜਾਦ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਚੁੱਪ ਕਰਵੇ ਸੀ। ਇਮਾਮ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਰੋਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਮਹੀਦ, ਇਦਾਂ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਦੋ ਵੇਣ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਤਖ਼ਤੇ 'ਚ ਇਮਾਮ ਦਾ ਸਰ ਚਾ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਸਜਾਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤਖ਼ਤ ਚਾਈ ਵੈਂਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਹੈ, ਜਿਨ ਚਾਈ ਵੈਂਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰੱਗਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਹੈ, ਜਿਨ ਮਿਲਾਵਣ ਪਿਆ ਵੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਪਿਓ ਦਾ ਸਰ ਚਾ ਕੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਕਰ ਬਚੜਾ, ਜ਼ਰਾ ਕੱਪੜਾ ਲਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਬਾਕਰ ਮੌਲਾ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਲਹਾਏ, ਇਮਾਮ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਰਗੀ ਹੋਈਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਗਾਂ 'ਤੇ।
ਦਿੱਥੇ ਸੱਜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਖੱਬੇ, ਖੱਬੇ ਦੀਆਂ ਸੱਜੇ, ਅਬਰੂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ, ਗਰਦਨ ਦਾ ਖੂਨ ਖੁਸ਼ਕਾਈ, ਪਿਓ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਂਠਾਂ ਤੇ ਬੋਸਾ ਦੇ ਕੇ, ਆ ਲੈ ਬਾਬਾ ਅੱਖੀ ਖੋਲ, ਆ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਮਿਲਿਆ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਮ ਗਈ ਹੈ ਸਿਆ ਲਾ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਗਾ ਬਾਬਾ ਮਿਲਣ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਸਰ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਸਦਕੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਆ ਹੋ ਮੇਰਾ ਦੱਸਾ ਬਾਬਾ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀਰੇ ਗਿਆਰੀ ਸਕੀ ਨਾ ਜਾਗ ਬਾਬਾ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੱਸਾ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਉੱਠੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਮਰ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਇੰਜੇ ਉੱਠੀ ਦੀ ਆਈਏ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈਆਂ ਰੱਗਾਂ ਤੇ ਬੋਸੜੇ ਗਿਆਰੀ ਬਾਬਾ ਪਿਓ ਦਾ ਸਰ ਝੋਲੀ ਪਾ ਗਿਆ ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਅੱਖੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾ ਬੂਦਾ ਤੇ ਬਾਦ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੌਲਿਆ ਲਿਆ ਲਈਏ ਸਕੀਨਾ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਲੂ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਧੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਆ ਧੀ ਦੇ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀਏ ਸ਼ਬੀਰ ਪੁੱਛਿਆ ਲਾ ਲਿਆ ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ
बिस्मिल्लाह करा धी अली दियारा दियो में ना प्यू नो हाल सुना के रो रो क्या दी बैठी है जख्मी का ना करा प्यू नुहार सुना क्या दिए बाबा दुख तेरिया भैन भी बहु डिठे दुख तेरे पुत्रा भी बहु डिठे क्या दिए बाबा आलिया दुख डिठे उम्र पूरी आई आदिए बाबा सारे राव नाथे तुर